शादी हो गई थी, शादी हो गई थी। हेलो, शादी ना यार बियाह। हाँ, यहाँ पे हमारे भाई साहब नीरज शुक्ला सीतापुर से है, मेला कमेटी अध्यक्ष नीरज सही कहा। सब भाई अगर हमारी आवाज तुम्हारे कार्यक्रम तक पहुंच गई तो उनसे जाकर नीरज शुक्ला से आकर मिले, शुक्ला धन्यवाद। और पूरे भाई साहब हमारे नितिन अग्रवाल का कहना है कि दस में मेला कमेटी में रहते हैं, उनका कहना है आपको मिले, शुक्ला धन्यवाद। हेलो, आप कहीं को जान रहे हैं। हेलो, हमारी शादी हो गई थी, शादी ना यार बियाह, बियाह हो ही रहा है, लेकिन भैया कौन बना तीन साल बाद, तो हम सोचे लगे नहीं के मतलब तीन साल मिसकाल मात घूमी तो अपनी बुआ कह लगे नहीं बुआ हम जा रहे हैं ससुराल, हमारे बुआ खड़े लोग रह गए तो अरे बाप की दाढ़ी नहीं जाओ, अभी गौन भवना है ससुआ जाएंगे हो हम गेर बुआ मन बना बुआ जान गई ले जितनी लौंडा है मारी ने अरे नहीं ना मैं हो दे जाओ जाओ मराओ जान हाँ अरे जाए तो सुधाकर सुधाकर या परिवार की ये दस वर्ष में देते हैं और कहते हैं नींबू वाला बना सुना अरे जो कहानी चला चला दे यार नींबू वाली कहानी भैया हम अपनी मेहनत बहुत परेशान और ऐसे कोई हो जाए मेहनत परेशान नहीं हो के बाबा बाबा का ठीक कहा था ठीक है मतलब बाबा ये मंजिल गुजर चुके हैं। हाँ वही के हम जो परेशान वहाँ कहा लग देखे नौटंकी बजाओ ना जी धंधा चाहे जो हम करो तो हम कह देखो ज्यादा है पर तंग ना करो ज्यादा तंग करे हो तो हम बाबा हो जाए महात्मा हो जाए हम दुल्हन का हरकाई और भैया तले कजात काल हमारे गांव में एक दिन बाबा आएगी हम गरम में पाई छुए लेकिन बाबा हमका चेला बना लियो बाबा कहे लागे बच्चा चेला गाय बनी पे हम कहे कहीं तुम्हारे बियाह होगा अरे हम कह दुल्हन समूह जी घर में तो वह बाबा हो जाए भैया कहीं तो नहीं बन हम कह नहीं बाबा पाई छुअन हम कहें हमका चेला बना हम घोड़े नहीं छोड़न बाबा जान गए मानी नहीं कहीं बच्चा अच्छा यह बात है। हेलो ये आगे हम सूर्यांश राठौर टिप्पणी निवासी दस रुपये आपको कलम का नाम दे रहे परी वाले बहुत शुक्रिया जरूर लगाई जो बिना कहानी के बाद तुम्हारी मार जरूर गई शुक्रिया वाली कौन बात ये पैसा दे रहे उधार थोड़ा मरवाए रहे हाँ भाई अब हम और पढ़े लिखे बाबा हमने बाबा हमका चेला बनाए लो अच्छा कभी यह बात है तो अत्ता पर खर्रा लिख दी अब कहीं परचून दुकान पर ले आओ आज तुमका चेला बनाए हम लेहन पंचा पहुंचन घर कहे लेकिन तुम बहुत ज्यादा हमका तंग करे रहो आज तुम महात्मा हो जाए रुपया पांच सौ कई रुपया एक उड़ाई मारे हम चार छलाते तू चार मुक्का झरम में छीन लेन पांच सौ रुपया मारे चार छह मुक्का तू चार लाते पांच सौ छीन ली हम कहें आज बाबा हो जाए पहुंचन पर चोरों दुकान पर हम कह दिए घर का घर्रा दे रहे सामान निकाल दे अब हमार तू नहीं जान पाई कि बाबा हो गई है अब वाला रोवे रोवे लाग तो बाबा तू नहीं यहाँ देखे ने हमारी सोचने का मार प्रीति की भाजी गवाह है का तो धीरे धीरे हमारे दुल्हन के बाबा जी आए कहे लागे तुम बच्ची रोती का है तो दुल्हन हमारे कहे लागे हम अपने के नाई रोएंगे हम रोएंगे हम तुमका दुल्हन कहे लागे हम रोएंगे हम तुमका तो बाबा कहें हमका बच्ची का है रोती कहीं तुमका एक ही बार रोएंगे आज हमारे आदमी के चक्कर में तुम फंस पाए हो हमारा आदमी इतना गुलाम जो कोई काम बाबा होते उनके संग हम का सलूक कर कहीं का सलूक कर कहीं देखा वह माची टांगी कहीं चांद टांगी अब कहीं वो एक बर्द बांधा यू बर्द एक काहे बांधा कहीं काहे बांधा कहीं जैसे कोई काम बाबा मांगे आवत उनके संग हमारा आदमी का सलूक कर यही माची में यार यार घर पर धक मचिया
और यार घर बाबक मचिया हुआ पांच बीघा खेत जोत रहे और वो चमका देखो कांगा ये चमका काहे कांगा जब चली हम आए तो चाच चमका गरेहरी पर पड़ी है मारी गरेहरी लाल हुई गई और जब जोत के आई यो नादम भूसा भरा सूखा भूसा खाओ बाबा सोचने बिचारी तेरे हमारे बात दादा बोले वो सूखे भूसा कौन खाई हमारे कौन पांच बीघा खेत जोती बाबा हुआ तो निकल ली है तले हमने के शौचालय गए देख रहे बाबा ना आई हम तेरे बाबा कहाँ गए तेरे बाबा गए तेरे बाबा गए आप फिर बहुत ही मरी हो हाँ आपके बाबा कहाँ गए तेरे बाबा गए बाबा मार गए तेरे हाँ क्या ना है हम कहाँ शौचालय पर है बाबा मार गए तेरे हाँ कहाँ मार गए तेरे तो वह कहा लगे माची मांगे दिन हाँ तब है माची भी है नहीं बाबा गुस्साए के हम चल अबे कैसी के अरे कल पुलिया पर पहुंचे हुए हम कहे ना माची उठान माची कान हम कहेंगे गांव के बाहर निकेशन देखने बाबा जा रहे हैं हम कहे बाबा रुके लिहाज के हाँ बाबा घूम के देखने के लिए उनके साथ सही नहीं है बाबा कहीं हो गया माची लिहाज रहा हम लंबे चक्कर में बाबा रुकते हो लिहाज जब तक लंबे चक्कर में बढ़न बाबा जाने के बिना बचे नहीं मरी बाबा जाने की छोरी और यह सब धार चा हाँ भाग जा रहा है बाबा निकल गए हम पहुंचे न उठा लाए छोरिया दो चार पसेरी आटा बीजा चार पसेरी ले गेहूं मिले लेकिन दुल्हन होशियार है वह कहे लग गया खाओ बजावे जी हम बजावे नहीं जी हम तो हम सोच लगन कुछ मेहनत की मानो के बाप लोग कहते ना ज्यादा तो कुछ मानना सही बात यह है सूर्यांत राठौर की परी का 10 रुपया दे है हमारे उधार का है भोले राय भोले राय हां हां पता करो कह दो सवेरे मार दे तो चले जाए शुक्रिया भोले राय यार दो भोले के कहानी के बाद मार दी तुरंत शुक्रिया मालूम तब जाएगा हाँ भैया अब हम स्वाद आए कुछ मेहनुओं की मानना ना ध्यान का कुछ मानना हम क्या चलो बच्ची अब हम बजाओ नहीं जाएगा अब घर है नहीं बा कोई धंधा पकड़ नहीं अब घर है रहा करीबा अब सोचा लगे सखन तो नहीं कि घर है नहीं बा और नहीं बजाओ नहीं बा अब यार खर्चा कहाँ से तैयार हो अब सोचे लगे कोई बात नहीं नाई नौ टन के बजेबा वही में 1000 रुपए का हो तो घर 200 रुपए का करीबा अब सोचे लगे ना हो बढ़िया ना कहली और हम लागे प्याचे लौकी सब्जी तो रही और सब बेच बाज खर्चा चला जाए वही टाइम भैया रुपया रहा ही नहीं तो हम कहना हो 2000 उधार ले ली हम कह जब सब्जी तैयार हो बेच बाजे सब अदा कर दी अब 2000 उधार ले ली है पहुंचे बीज भंडार हुआ तिलान लौकी तोरई रौसा कदुआ लोबिया लाग सब पाई दी है तुम्हारी सब्जी दुआ देने भरा फूला बहुत अरे लोबिया ना भरे की गुवाही भी आएंगे लड़का लोबिया भीतर घुसो ही लाए अरे भीतर ने घुसूंगा गुवाह का दिखाई रौसा का भरा की सामान में लाग जा दवा छिड़कर छिड़कर कांधे में सब ढट्ठा पड़ गए फूल बतिया यहाँ का ना वो दुकानदार हमका जाने की नवा पिया नवा जान के बिया से पार दे दी है फूल बतिया कहां धरा फूल आए कि छू जाए हम कह रहे तो 2000 चले भैया वो सब लोच घसोट सब फेंक देने बाहर ले आ हम कह अब का करें फिर सोच लग अगर कोई मान ले क्या तुम राय पैदा बहुत तो मंडी तो मिल गई करी उठाए साइकिल पहुंचे सब्जी मंडी वही टाइम सब्जी पर आगे पड़ी तो रही 80 रुपए कदुआ 40 रुपए कटाओ 60 रुपए दिन बड़ी महंगाई हम सोची कोई मट्टा सौदा मिले ला दिले काम चूतिया बनाओ तो भूमि अब ये चक्कर हम कह मंडी के अंदर आगे बढ़ के देखी आगे बढ़े तो देखने को नींबू बेच रहा यो हम कह नींबू का भाव लेंगे हम कह नींबू का भाव वो कहला 50 रुपए लंबा हम कह नहीं है फायदा दाम बेचो तो 20 रुपए पौवा 25 रुपए पौवा अयो बताओ तो 50 रुपए 5 किलो
मारी ठावर दोनों हो जाए। हाँ अब फिर सोचने लगेगा ध्यान लेके ना भी कहता हूँ 2000 वैसे चले गए, हमने शुरुआत करी जैसे बिक्री हुई वैसे समझाओ सही बात। हमने एक नंबर देखे एक नंबर नींबू ले लें जब शुरू कर दिया रोज बेची घर आ गए रुपया फुल पे गए नींबू वैसे घर। ओ हमने बड़ी नफा है यार, चले सांझ हुई गई अब थोड़े बच गए। हमने अब क्या करी, हमें कोई बात नहीं हो तो भरारे निकल ली। अब मारे बताए नफक रात भर में नींद ना आई, हाँ चेवते रात कती हो तो भरारे निकल ली। यह गांव फाट पर जाए भोराहरे, हाँ अब भैया गांव रहा दोबारा नहीं क्या। वही दिन गुरु राजा साहब की तबीयत खराब, तो राजा साहब नौकर ने बताया दिन गांव बता दो जाए कोई शोर नहीं मचाए, हमारी तबीयत खराब हो नौकर गांव पर हम बता दे। अब गांव सुनना काल मचा सन्नाटा, तो हम सोच लगे हमके का मतलब हम अपन धंधा कराया हम आवाज दे दिए नींबू ले लो नींबू नींबू ले लो नींबू। नौकर चुप पे बोला उनकी क्या बात है भैया, वो कहला भैया ना बेचो निकल लिया। हम सोच रहे ये है झाल सुआ बेचे नहीं दे भैया, गांव को सही से लोग हो गए हमने कसका शोर मचाएगा अबे बिक्री नहीं हो गई दो नंबर उठा नहीं पा कसका शोर मचा नींबू ले लो नींबू नींबू ले लो नींबू। राजा साहब का नाम भरक पड़ी गया कहने गांव शोर कौन मचाए रहा। अरे नौकर कहीं वो नींबू वाला आवा नींबू बेचे, अरे कहीं जाओ साहब नींबू खाने खोल जाओ नौकर तो ले नींबू हमारे घोष दी। अब हम लागे रोवा रोवा लागे चले भैया हमारे पीछे आ गए ने चौसा ले लो तो शेरी चौसा ले लो तो शेरी या बाहर की मरिया बाजू तो शेरी या बाहर की चौसा चौसा ले लो तो शेरी। राजा साहब का नाम भरक भरी पड़ी गई तेरे अलग और शोर मचाए रहा। अरे नौकर कहने वो चौसा तो शेरी वाला आवा, अरे कहीं जाओ साहब तुझे सब खोल दो जाए नौकर दौड़े चौसा वही तो घोष दी वो लागा हंसाई। हम कह रहा है हमारे सारा तब नींबू घुसा तो मारे आते ही फारे दल रहा कि के यो भर के चौसा घुसा तक हौसा ही निकाल। हम कह के भाई तुम हंसा दिखा है हो वो कहे ना हम तुमका ना हंसे दे हम हंसे दे उनका जो हमारे पीछे एक कटहल बेचे उनकी चौसा हो कोई तो बिखरा नहीं है हम तुम्हें घेर गए भैया मोटी मनी हाल सही बात है तब क्या धंधा दिए छोड़ी हम कह तू नहीं रुपया भाग लिया धंधा नहीं करी बात सही बात। हाँ कहा सूरवंश सूरवंश हाँ सूरवंश भूला गया यार हमारे हुआ कहीं यही देखियो सही बात।